राम मंदिर का राग अलापने वाली बीजेपी ने ऐसी हनुमान चालीसा पढ़ी कि संकट मोचन को ही संकट में डाल दिया। किसी ने बजरंग बली को दलित बताया, किसी ने आदिवासी तो किसी ने मुसलमान। हनुमान पर बयान देने वालों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने भी बजरंग बली पर बेतुकी बयानबाजी की है। भगवान हनुमान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता अपनी जुबान पर लगाम लगाने को ही तैयार नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में योगी ने हनुमान राग क्या छेड़ा कि बीजेपी नेताओं ने इसमें सुर में सुर मिलाने शुरू कर दिए। हर कोई अपने फायदे के हिसाब से हनुमान को जाति और धर्म में बांटने लगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी के एक मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान पर बयान तो दिया, लेकिन उनकी जाति और धर्म को लेकर नहीं बल्कि शौक को लेकर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने अपना नया नजरिया रखा है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी कुश्ती लड़ते थे, खिलाड़ी भी थे, जितने भी पहलवान लोग हैं उनकी पूजा करते हैं, मैं उनको वही मानता हूँ, हमारे इष्ट हैं, भगवान की कोई जाति नहीं होती, मैं उनको जाति में नहीं बांटना चाहता। खेल युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि हनुमान जी को खेल का शौक था। बीजेपी नेता हनुमान पर ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे मानो बेतुकी बयानबाजी की होड़ लगी हो। बीजेपी नेताओं की बिगड़ी जुबान पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि रामायण के अन्य पात्र भी अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार रखें। क्या पता बीजेपी नेता हनुमान के बाद अब अगला नंबर किसका लगा दे। वैसे शिवसेना ने तंज तो बिल्कुल सही कसा है, क्योंकि बीजेपी अपने फायदे के लिए पहले राम राम जपती थी, अब नई हनुमान चालीसा पढ़ रही है जिसमें भगवान एक है लेकिन उनकी जाति और धर्म सब सियासत के हिसाब से है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।